नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं ट्रैक्टर के वीडियोस YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, काफी समय हो गया था हमें कोई कंपैरिजन वीडियो लाते हुए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ट्रैक्टर्स के बारे में जो 45 HP कैटेगरी के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। आज हम कंपेयर करेंगे महिंद्रा 575 DI UO Tech Plus फोर व्हील ड्राइव को जॉन डियर के 5045D पावर प्रो फोर व्हील ड्राइव के साथ। किसान भाइयों, आज का कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस कंपैरिजन में हम टॉर्क, SFC सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन की, तो यहाँ पर महिंद्रा यूओ 575 टेक प्लस के अंदर आपको मिलता है 47 HP का 4 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है। और इसके अंदर जो इंजन है वो 2979 CC की क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि CC के साथ आता है। अगर वहीं बात करें जॉन डियर 5045D पावर प्रो की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 46 HP का 3 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि 2100 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है। और इसके अंदर आपको मिलता है 2900 CC का जॉन डियर का ही इंजन। किसान भाइयों, यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर की बात करें तो इंजन काफी बेहतर है दोनों ही ट्रैक्टर के, और रिलायबल इंजन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एयर फिल्टर की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में ड्राई टाइप नए जमाने के एयर फिल्टर दिए जाते हैं, जिनको साफ करना काफी आसान होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको बेहतरीन कॉन्स्टेंट मेश टाइप के ट्रांसमिशन मिलते हैं। महिंद्रा यूओ 575 के अंदर आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स वाला साइड शिफ्टेड गियरबॉक्स मिलता है, जो कि कॉन्स्टेंट मेश तकनीक के साथ आता है। और इसके अंदर PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर मिलता है, और आपको इसके अंदर डबल क्लच मिलते हैं, एक PTO के लिए और एक ट्रांसमिशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें जॉन डियर की, तो जॉन डियर के अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला साइड शिफ्टेड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इसके क्लच की, तो इसके अंदर आपको डबल क्लच मिलता है और PTO के लिए अलग से क्लच लीवर, इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर दिया जाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें टॉर्क की और SFC की, तो यहाँ पर महिंद्रा 575 के अंदर आपको 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी SFC रेट की, यानी कि कितना डीजल खपत करेगा ये, तो यहाँ पर कंपनी के अनुसार 241 ग्राम किलोवाट पर आवर की SFC रेट इसकी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें जॉन डियर की, तो जॉन डियर के अंदर आपको 166.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और वहीं इसकी जो SFC है वो है 270 ग्राम किलोवाट पर आवर। किसान भाइयों, अगर यहाँ पर बात करें हम टायर साइज की, तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर सिमिलर टायर साइज ऑप्शंस मिलते हैं। पिछले टायर में 13/28 और 14/28 के दो ऑप्शन मिलते हैं, वहीं फ्रंट व्हील टायर्स में 8/0/18 और 9/50/24 के फ्रंट टायर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अगर एक्सल्स की बात करें, तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट एक्सल बेवल पिनियन टाइप के मिलते हैं। अगर आप नहीं जानते कि बेवल पिनियन टाइप के जो फ्रंट एक्सल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस काम के लिए बेहतर होते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। वहीं पिछले एक्सल दोनों ही ट्रैक्टर में EPR रिडक्शन यानी कि प्लेनेटरी गियर रिडक्शन के साथ दिए जाते हैं, जो कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जाती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। किसान भाई, यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की बात करें, तो महिंद्रा के अंदर आपको 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक मिलेगी, जो कि आपको 2.2 पॉइंट लिंकेज के साथ मिलेगी। वहीं इसकी जो हाइड्रोलिक है वो ADDC टाइप की दी जाती है। किसान भाइयों, आप जॉन डियर की बात करें, तो जॉन डियर के अंदर आपको 1600 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक मिलेगी, जो कि 3 पॉइंट लिंकेज के साथ आती है, और इसके अंदर भी जो हाइड्रोलिक है वो ADDC टाइप की दी जाती है। ADDC टाइप हाइड्रोलिक का मतलब होता है दो लीवर वाली हाइड्रोलिक, जिसके अंदर एक पोजीशन कंट्रोल लीवर होता है और दूसरा होता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, जो कि लगभग सभी ट्रैक्टरों में यही हाइड्रोलिक आजकल आती है। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं PTO की, तो यहाँ पर महिंद्रा के अंदर आपको 540 RPM PTO मिलती है, जो कि 6 स्प्लाइंस के साथ आती है। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें, तो इसके अंदर रिवर्स PTO या फिर इकोनॉमी PTO लेने का ऑप्शन मिल जाता है। PTO पावर की बात करें, तो इसके अंदर 43.1 हॉर्स पावर की PTO पावर मिलती है। किसान भाइयों, वहीं अगर हम चले जॉन डियर की तरफ, तो जॉन डियर के अंदर आपको मिलती है 540 RPM की PTO, और इसके अंदर भी आपको रिवर्स PTO या फिर इकोनॉमी PTO दोनों में से एक लेने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बात करें PTO पावर की, तो 38.2 हॉर्स पावर की PTO पावर आपको जॉन डियर के अंदर देखने को मिलती है। किसान भाइयों, चलिए अब बात करें ब्रेकिंग सिस्टम स्टेयरिंग की, तो दोनों ही ट्रैक्टर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स के साथ आते हैं, जो कि सबसे बेहतर है आज की तारीख में ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। और दोनों ही ट्रैक्टर में पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ आती है। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इन ट्रैक्टर की प्राइस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी पूछना
पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वही दोनों में से आपको कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।